दिल्ली में रोका गया अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर। आखिर क्यों दिल्ली में रोका गया अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर? अखिलेश यादव का आरोप, दिल्ली से नहीं भरने दी उड़ान, हुई मुजफ्फरनगर जाने से रोकने की कोशिश। अखिलेश यादव के चापर में हुई देरी पर अधिकारियों का बयान, इस वजह से रोका गया था हेलीकॉप्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका खोरबाजी केस अड्डे पर। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखने का आरोप लगाया। बता दें कि 1 बजे करीब मुजफ्फरनगर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन वह करीब 2:30 बजे तक दिल्ली में ही थे। फिलहाल उन्होंने मुजफ्फरनगर के लिए उड़ान भर ली है। इससे पहले अखिलेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, कहा गया था कि उनको मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। इसके बाद जब अखिलेश यादव को उड़ान की मंजूरी मिल गई, तब उन्होंने एक और ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि सत्ता का दुरुपयोग हारते हुए लोगों की निशानी है। समाजवादी संघर्ष के इतिहास में ये भी दिन दर्ज होगा। हम जीत की ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव के चापर में हुई देरी पर अधिकारियों का बयान, इस वजह से रोका गया था हेलीकॉप्टर। राजधानी दिल्ली में अखिलेश यादव के चापर को उड़ने में हुई देरी को लेकर हो रही सियासत के बीच एयरपोर्ट अधिकारियों की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव के चापर को हाई एयर ट्रैफिक के कारण रोका गया था। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके हेलीकॉप्टर को जानबूझकर दिल्ली में रोका गया था। एयरपोर्ट अधिकारी का आधिकारिक बयान, अखिलेश यादव के इन आरोपों पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। एक अधिकारी ने बताया है, अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर को हाई एयर ट्रैफिक के कारण उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में मंजूरी दिए जाने के बाद हेलीकॉप्टर फ्यूल कम था, फ्यूल भरने के बाद हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।